वीकली हॉरोस्कोप 27 दिसंबर टिल 2nd ऑफ जनवरी, 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2022 आखिरी वीक है दिसंबर 2021 का। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यह है कि किन लोगों को इस वीकली हॉरोस्कोप की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो वीकली हॉरोस्कोप है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये अप्लाइड हॉरोस्कोप है। थोड़ा उसके बारे में खुलासे से आपको बयान करूंगा। ऐसे में तमाम लोग जिन लोगों को इस वीकली हॉरोस्कोप की जरूरत है, जिनकी इस आने वाले वीक नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपकी कोई इंटरव्यू है, आपका कोई टेस्ट है, आपकी कोई कोर्ट की डेट है, आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन की डेट है, ऐसी कोई बात हो रही है, या इस आने वाले वीक में आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस आपने लेनी है, अगर ये आप पूरे नेक्स्ट 7 डेज में ऐसी कोई बातें हो रही हैं, तो ये पूरा वीकली हॉरोस्कोप अगर आप लें तो इसमें आपको काफ़ी, एक तो आपको खुलासा हो जाएगा भाई इस वीक में है क्या, और उसमें क्योंकि हमारे ही अकेले फोरकास्ट तो होते नहीं, हम उसमें सपोर्ट देते हैं, चाहे वो उपाय पद्धति हो या आपकी प्रिकॉशंस हो या उसकी मंत्र साधना हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करें या नहीं, उसमें आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, जो प्रिव्यू हम शेयर करते हैं, जो फ्री आपका कंटेंट होता है, उसमें एक पार्ट होता है, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्योंकि जो एक पार्ट है, 5 पार्ट हैं जो प्रीमियम कंटेंट के हैं वीकली हॉरोस्कोप के। पहला पार्ट है ट्रांजिट, ट्रांजिट में बताया जाता है कि पूरे हालात क्या होंगे। सेकंड पार्ट है कंक्लूजन, कंक्लूजन में बताया जाता है कि भाई इस एनवायरमेंट के अंदर आपके एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन कैसी होंगे। फिर है उपाय, टास्क। टास्क में अभी अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन बैलेंस नहीं भी है, तो उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के लिए। प्रिकॉशन, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही, आप कई चीज़ों को अपने आप से अलग रखना चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं। मंत्र साधना, मंत्र साधन में स्पिरिचुअली बूस्ट है, उपासना है, जप है, वो उपासना करें, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं ऐसी चीज़ें, तो फिर आपको जाना होगा वेबसाइट पे prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। Aquarius weekly brief forecast week commencing है 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 Aquarius, ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंगल केतु आपके दशभाव में है Aquarius, मंगल केतु दशभाव में, प्रोफेशनल फाइनेंशियल डिसीजन उस समय के बनाए। राहु आपके चौथे भाव में है, अपने फोकस और कंसंट्रेशन को लूज ना करें, कंसंट्रेशन फोकस बहुत जरूरी है, और रेस्टलेसनेस बहुत होगी, लेकिन डिसीजन चॉइसेस हर अपनी हर चीज़ में फोकस कंसंट्रेशन लेके आए, चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। प्रोफेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन सोच समय के बनाए। जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। सैटर्न वीनस की पोजिशन 12वें घर में है, बढ़ते हुए खर्च पर नज़र रखें और बिना सोचे विचारे को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ना बनाए। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, प्रैक्टिकल बनना होगा, इमोशनल कम बने, प्रैक्टिकल ज़्यादा बने। अगर आप चाहे कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले। चंद्रमा के गोचर का फल क्या है ये बताना होगा, ये बताएगा आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस। एक्सटेंसिव वीकली रिपोर्ट के अंदर ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको आपको कर ही लेना चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो। प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना, मंत्र साधना में किस मंत्र की साधना करके आप अपनी उपलब्धि को लेके आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं कर्ता से, भगवान से, ऊपर वाले से। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसमें पूरी सपोर्ट आपको मिल जाएगी अगर आप चाहें तो।